विज्ञान नमुता ही जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। मिथ्या देवाधिक भजे हो है मिथ्या भाव, तज तिन को साचे भजो यह हित हेत उपाव, यह हित हेत उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर ठोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। छठवां अधिकार ग्रहित मिथ्यात्व का निषेध करने वाला यह अधिकार है। कुगुरु कुदेव और कुधर्म के स्वरूप का प्रतिषेध यहाँ किया जा रहा है। न कुगुरु का विरोध है, न कुदेव का विरोध है, न कुधर्म का विरोध है। सिर्फ बात ऐसी है कि कुदेव के श्रद्धान से मेरा अभिप्राय, मेरी मान्यता बिगड़ती है। कुगुरु और कुधर्म के अभिप्राय से मेरी मान्यता और मेरा अभिप्राय बिगड़ने से मेरे जन्म जन्मांतरों में दुख और कष्ट की वेदना मुझे ही भुगतनी पड़ेगी, इसलिए उनका स्वरूप जानना जरूरी है। किसी और को नहीं सुधारना है, अपने आप को सुधारना है, अपनी मान्यताओं को सुधारना है, अपने अभिप्राय को सुधारना है। अपना अभिप्राय सुधरने पर मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। इसलिए जो भव्य जीव अपने जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट करना चाहते हो, प्रारंभ करना चाहते हो और अल्पकाल में मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, वे जीव अवश्य ही देवगुरु धर्म का यथार्थ निर्णय करने का प्रयास करें। देवगुरु धर्म के यथार्थ निर्णय के बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ भी नहीं होता, पूर्णता तो संभव ही नहीं है। यहाँ गुरुओं के संदर्भ में बहुत चर्चाएं आगम प्रमाण के आधार पर प्रस्तुत कर दी गई। अनेक दिगंबर परंपरा के दिग्गज आचार्यों को और महान महान उत्कृष्ट ग्रंथों को यहाँ प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत कर दिया गया, यह बतलाते हुए कि भाई देखो, जैन परंपरा में जिन दिगंबर संतों को तीन लोक में पूज्य कहा है, वे कितने सर्वोत्कृष्ट होते हैं, वे कितने महान होते हैं। उनकी पूज्यता, दिगंबर संतों की पूज्यता, दिगंबर मुनिराजों की महानता, उनकी श्रेष्ठता, ये कुछ अद्भुत है, ये कुछ अलौकिक है। उनके जीवन और चर्या को देखकर पूरे विश्व के मानव मात्र के लोग, हर व्यक्ति दांतों तले उंगली दबा लेता है। कितना कठोर आचरण होता है, कितनी कठोर तपस्या होती है, कितना उत्कृष्ट जीवन होता है ऐसे हमारे वीतरागी संतों का। ये सब चर्चाएं अपेक्षित विस्तार से आगम प्रमाण के द्वारा यहाँ कर लेने के उपरांत अब एक नया प्रकरण यहाँ से हम प्रारंभ कर रहे हैं, जो कुछ इसी से जुड़ा हुआ है और उसमें ठोडरमल जी साहब के चिंतन की गहराई यहाँ झलकती हुई स्पष्ट नजर आती है। देखिए, पेज नंबर है 184 नंबर पेज है और बीच में एक हेडिंग दिया है, शिथिलाचार की पोषक युक्तियां और उनका निराकरण। ओहो, जगत में शिथिलाचार का पोषण करने वाले लोग भी कम नहीं हैं। अपने शिथिलाचार को बढ़ाने के लिए, अपने शिथिलाचार का पोषण करने के लिए अनेक प्रकार के तर्क देते हैं, अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं, अनेक अनेक प्रकार की बातें कहते हैं कि साहब ये तो मान लेना ठीक है, इनको तो मान लेना चाहिए, ये इनको मान लेना तो ठीक है। माने अनेक प्रकार की युक्तियां देते हैं, न्याय बतलाते हैं, तर्क देते हैं, कहते हैं इसमें तो क्या दोष है, ये तो चलेगा। इस तरह के तर्क देने वाले जो लोग हैं दुनिया में, वे क्या क्या बातें कहते हैं उसे यहाँ बतला रहे हैं। शायद हो सकता है इस प्रकार के प्रश्न आपके पास में भी बहुत आते होंगे।
लोग आपसे भी कहते होंगे पंडित जी अब ये तो क्या है, फिर कोई गुरु तो जरूरी है ना, फिर गुरु के बिना तो काम कैसे चलेगा। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं। हेडिंग पढ़ दिया है मैंने, वापस पढ़ देता हूँ। शिथिलाचार की पोषक युक्तियाँ, ऐसी युक्तियाँ, ऐसे तर्क, जो युक्तियाँ और तर्क शिथिलाचार का पोषण करने वाले हों। युक्तियाँ प्रश्न के रूप में रखी जाएगी और फिर उनका निराकरण भी किया जाएगा। अब यहाँ कुयुक्ति द्वारा जो उन कुगुरुओं की स्थापना करते हैं, खोटी युक्तियों के द्वारा उनका निराकरण करते हैं। देखिए वहां वह कहता है, प्रश्न उठाया सबसे पहले नंबर पर, वहां वह कहता है गुरु बिना तो निगुरा कहलाएंगे और वैसे गुरु इस समय दिखते नहीं हैं, इसलिए इन्हीं को गुरु मानना। क्या प्रश्न आते हैं आपके सामने भी इस प्रकार के कि भाई गुरु यदि नहीं होंगे तो बिना गुरु के निगुरा कहलाएंगे आप? जिनका कोई गुरु नहीं है, जो गुरु को नहीं मानता, वो निगुरा हो जाएगा। और जैसे गुरुओं की आपने अभी चर्चा की है पिछले इतने दिनों में, 10-12 दिनों में 15 दिनों में, कितने दिन हो गए मुझे आइडिया नहीं है, ध्यान नहीं है, इतने दिनों में जो गुरुओं की चर्चा हुई है उन सब में जितनी बातें आपने कही हैं, वैसे गुरु तो भाई साहब इस काल में मिलना बहुत दुर्लभ है, वैसे गुरु तो इस काल में दिखते नहीं है, इसलिए इन्हीं को गुरु मानना, जो दिख रहे हैं उनको गुरु मान लेना। एक बात मैं यहाँ बहुत स्पष्ट आपको कहना चाहता हूँ, ये जो पंक्तियाँ टोडरमल जी साहब के द्वारा लिखी गई, शायद हो सकता है उस समय में किसी प्रकार के वेशधारी हुआ करते हों। नग्न नग्न दिगंबर साधु तो उस समय में थे नहीं, टोडरमल जी के समय में एक भी साधु का सद्भाव नहीं था यहाँ पूरी भारत भूमि पर, ये तो इतिहास यह बात कहता है। जिन मंदिर थे, दिगंबर प्रतिमाएं थी, प्रतिष्ठाएं हुआ करती थी, लेकिन एक भी दिगंबर साधु का सद्भाव पूरे हिंदुस्तान में इस धरातल पर कहीं भी नहीं था, कहीं नहीं दिखता था, ऐसा इतिहास कहता है, ऐसा हिस्ट्री बतलाती है कि शांति सागर प्रथम आचार्य कहलाते हैं। और लगभग 101 वर्ष पहले 100-125 वर्ष हुए होंगे, लगभग 101 वर्ष पुरानी बात है शांति सागर जी की। तो शांति सागर जी जब मुनि बने वे प्रथम आचार्य कहलाते हैं वर्तमान के सब साधुओं में, तो उनसे पहले कोई साधु नहीं था, दिगंबर साधु नहीं था। लगभग 300-350 वर्ष का अंतराल ऐसा पड़ा जिस अंतराल में एक भी दिगंबर मुनिराज का सद्भाव था ही नहीं कहीं भी। कारण क्या बतलाएं, नहीं था तो नहीं था बस, कारण तो कुछ नहीं कह सकते हैं उसके पीछे। तो टोडरमल जी के समय में भी एक भी साधु नहीं थे, और चर्चाएं तो आती होगी इस तरह की बहुत सारी, हिसाब दिगंबर मुनिराजों का सद्भाव पंचम काल में तो कहा है, फिर मानना चाहिए, फिर ये जो दिखाई दे रहे हैं इनको मान ले, ऐसे कर ले, तो बहुत तरह की बातें हैं उनके चित्त में उठती रही हैं। देखिए तो जैसे गुरु आपने कहे हैं, या जैसे गुरुओं की चर्चा, क्या जैसे गुरुओं की चर्चा शास्त्रों के अंदर की गई है, वैसे गुरु दिखते नहीं हैं, इसलिए इन्हीं को गुरु मान लेना जो दिखते हैं, ऐसा प्रश्न है। उत्तर, बहुत सुंदर जवाब दिया पंडित जी साहब ने। देखिए क्या कह रहे हैं, निगुरा तो उसका नाम है जो गुरु मानता ही नहीं। निगुरा किसे कहेंगे जो गुरु को मानता ही नहीं, क्या? तथा जो गुरु को तो माने परंतु इस क्षेत्र में गुरु का लक्षण न देखकर किसी को गुरु न माने तो इस श्रद्धा से तो निगुरा होता नहीं है। कितना सुंदर तर्क दिया है, लाइन को दो बार पढ़ना चाहिए। गुरु को तो माने, गुरु का तो श्रद्धान है हमारे को, द्वितरागी दिगंबर गुरु होते हैं और दिगंबर गुरुओं का ये स्वरूप होता है, और हमारे दिगंबर गुरु पंच परमेश्वरी पूज्य हैं, उन्हें तो माने।
परंतु इस क्षेत्र में गुरु का लक्षण नहीं दिखाई दे रहा। यदि कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है तो किसी को गुरु न माने अन्य किसी को, तो इस श्रद्धांत से उसे निगुरा नहीं कहते। माने कहने का अभिप्राय यह है, निगुरा तो उसे कहते हैं जो गुरु को ही नहीं स्वीकार करता। नहीं नहीं, गुरु कुछ नहीं होता है, गुरु को नहीं मानते हम, उसे निगुरा कहते हैं। बहुत सुंदर तर्क दिया। जिस प्रकार नास्तिक तो उसका नाम है जो परमेश्वर को मानता ही नहीं, इसका नाम है नास्तिक। नास्तिक किसे कहेंगे? भगवान को नहीं मानता, नास्तिक कौन होता है? जिसकी श्रद्धा नहीं है भगवान के प्रति उसे नास्तिक कहते हैं। और जो परमेश्वर को तो माने परंतु इस क्षेत्र में परमेश्वर का लक्षण न देखकर किसी को परमेश्वर न माने तो नास्तिक तो होता नहीं है। उसी प्रकार यह भी जान लेना। बात समझ में आई होगी, ख्याल में आई होगी क्या कहना चाह रहे हैं? ये सब परमात्मा को मानते हैं या नहीं आप? परमात्मा को तो मानते हैं, स्वीकार करते हैं परमात्मा को, यहाँ स्वीकार करते हैं, तो ये इनको मान लो ना परमात्मा, ये जो दिखाई दे रहे हैं ऐसे कैसे मान लेंगे ये सब इस काल में? और तो तुम्हारे सच्चे अरहंत भगवान तो दिखते नहीं है कि नहीं दिखते होंगे, लेकिन अरहंतों का सच्चा स्वरूप तो जैसा आगम में कहा है वैसा ही है, सिद्धों का जैसा स्वरूप कहा है वैसा ही है। वर्तमान में अरहंत और सिद्ध यदि नहीं होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो हम किसी को भी अरहंत और सिद्ध मान ले हुए ऐसा तो हो नहीं सकता है। एक गांव में एक बार बारात आई और गांव में आए वो लोग और वहां बारात तैयार होनी थी, बारात तैयार होनी थी और सारी व्यवस्थाओं के लिए कह रखा था, वहां आदेश दे रखा था कि भई ये सारी सारी व्यवस्थाएं कर लेना। अब लेकिन वहां क्या हुआ, बारात निकालने के लिए घोड़ी तैयार नहीं थी। क्या? तो किसी व्यक्ति ने आकर के कहा कि साहब वो तो व्यवस्था नहीं हो पाई। कैसे नहीं हो पाई व्यवस्था, तुमसे बात हो गई थी और बिना उसके तो कैसे चलेगा काम? कि साहब एक व्यवस्था हो सकती है, वो घोड़ी तो नहीं मिल रही है लेकिन उसी जैसा थोड़ा सा मिलता जुलता, क्या चार पैरों वाला ही है, थोड़े से कान भी उसी तरह के, हाइट में थोड़ा सा छोटा है। आप कहो तो हम व्यवस्था कर सकते हैं, बोलो कर दें कि नहीं कर दें, बोलो। वो तो नहीं है जो घोड़ी चाहिए ना, वो तो नहीं है लेकिन व्यवस्था हो सकती है, थोड़ा बहुत चक्कर, थोड़ा बहुत फर्क होगा, ज्यादा नहीं है। अब उसी को मान लेना आप तो क्या दिक्कत है? समझ गए आप लोग सब? गधे की बात चल रही है, बोलो तैयार हो जाएंगे क्या? कौन तैयार होगा, कौन स्वीकार करेगा, बल्कि पलट करके नाराज ही होंगे। क्या बिगड़ेंगे ही हम यही कहेंगे कि कैसी बात करते हो, शर्म नहीं आती कि तुम्हारे को? चाहे जिसको गधे गधे के ऊपर कैसे बैठ सकते हैं, गधा कैसे चलेगा? नहीं चलेगा भाई साहब। तो बस ठीक इसी तरह से हम ये कह रहे हैं कि किसी को भी कुछ भी लक्षण यदि मिलेंगे तो हम स्वीकार करेंगे, और लक्षण यदि स्वीकार नहीं होंगे तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। जहां आप विदेश क्षेत्र में अरंत भगवान की सत्ता स्वीकार कर रहे हैं हमें भी कोई ऐतराज नहीं है, जहां सिद्ध भगवान है हमें भी कोई ऐतराज नहीं है, और जहां देश काल परिस्थिति के अनुसार आचार्य उपाध्याय साधु हो हमें कोई ऐतराज नहीं है। ये टोडरमल जी का कहना है, उस समय के तर्क हैं, उस समय की बात यहां कही गई है। देखो अभी आप कहेंगे साहब वर्तमान में है या नहीं है, लोग प्रश्न पूछते हैं हमसे, क्यों पूछते हैं आप? टोडरमल जी ने भी प्रश्न उठा दिया है, इसी तरह का प्रश्न उठा दिया है, क्यों नहीं है, होंगे ना, हम कहाँ मना करते हैं? मुनिराजों के अस्तित्व के संबंध में हम इनकार नहीं कर रहे, हम इनकार नहीं कर सकते हैं मुनिराजों के अस्तित्व के संदर्भ में। पंच परमेष्ठियों का सद्भाव सदा काल से रहा है, होता रहा है, होता रहेगा, इस जगह पर न सही किसी और जगह पर होगा। पेज नंबर है 184, 184 नंबर पेज, यहां नहीं है तो कहीं और होगा। देखो प्रश्न उठाया है, फिर वह कहता है जैन शास्त्रों में वर्तमान में केवली का तो अभाव कहां है, मुनि का तो अभाव नहीं कहां है। प्रश्न कितना जबरदस्त है, केवली तो इस पंचम काल में होते नहीं है,
केवलियों का तो अभाव कहा है इस पंचम काल में। बात सच्ची है, अरंत भगवान तो नहीं होते ना पंचम काल में। पंचम काल भरत क्षेत्र में, भरत क्षेत्र पंचम काल में केवलियों का, अरहंत भगवान का सद्भाव नहीं है। साक्षात तीर्थंकरों का सद्भाव नहीं होगा, केवलियों का सद्भाव नहीं होगा। बात बिल्कुल बराबर है, हमारे को स्वीकार है। लेकिन कहीं ऐसा भी है क्या कि मुनिराजों के संबंध में भी निषेध आया हो? कहीं नहीं आया है। तो यहां प्रश्न है, ये क्या प्रश्न कर रहे हैं? मुनिराजों के संदर्भ में इस प्रकार का प्रश्न उठाया है, क्या आप स्वीकार करते हैं कि मुनिराज भी नहीं है? क्या कोई आगम प्रमाण दे सकते हैं कि कोई आगम प्रमाण नहीं है, वर्तमान में मुनिराजों का सद्भाव है? ठीक है, 3.9 करोड़ मुनिराजों का सद्भाव कहा गया है। लेकिन जिग्नेश भाई, ये जो 3.9 करोड़ मुनिराजों की संख्या कही है, ये उत्कृष्ट संख्या है, मैक्सिमम है ये संख्या। सदा काल 3.9 करोड़ मुनिराज रहते हो ऐसा भी नहीं है। दूसरी बात, 3.9 करोड़ मुनिराजों की जो संख्या है, यह संख्या पूरे 2.5 द्वीप की अपेक्षा से है, पूरे 2.5 द्वीप की अपेक्षा से है। तीसरी बात, ये जो 3.9 करोड़ मुनिराजों की संख्या है, इस संख्या में छठे गुणस्थान से लेकर अरहंत भगवान तक सबको शामिल किया गया है। अरहंत भगवान को भी मुनि रूप से स्वीकार किया गया है। क्या समझ में आ रही है बात? माने बहुत तरह की बातें हैं, और प्रश्न तो उठाया है कि केवली का अभाव तो कहा है पंचम काल में, मुनि का अभाव तो नहीं कहा है। बात तो ठीक है। देखिए उत्तर, ऐसा तो कहा नहीं है कि इन देशों में सद्भाव रहेगा। ये थोड़ी ने कहा है कि इस देश में, देश का मतलब नगर गांव, क्योंकि टोडरमल जी के देश शब्द का जो प्रयोग है ये अखंड भारत देश के संदर्भ में नहीं है। ये टोडरमल जी के इस देश का सद्भाव इस क्षेत्र के संदर्भ में, वर्तमान एरिया के संबंध में। मैं दिगंबर मुनिराजों का सद्भाव कहा है तो इसका अर्थ ये तो नहीं मान लेना चाहिए कि जौहरी बाजार में है। 2.5 द्वीप बहुत बड़ा एरिया है। हम लोग 2.5 द्वीप में से 2.5 संख्या सूचक है, पहला द्वीप, दूसरा द्वीप और फिर आधा द्वीप, 2 और आधा, इनका नाम है 2.5 द्वीप। और इन 2.5 में से हम रहते हैं पहले जम्बू नाम के द्वीप में। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में हम लोग रहते हैं। रोजाना महाअर्घ बोलते समय हम लोग बोलते हैं जम्बू द्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे। तो जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हम लोग रहते हैं। जम्बू द्वीप भी बहुत विशाल है और 2.5 द्वीप तो बहुत विशाल है। यहां इन्होंने जवाब दिया, ऐसा तो कहा नहीं है कि इन देशों में सद्भाव रहेगा। ऐसा तो कहा नहीं है नरेंद्र जी आपके उदयपुर के अंदर मिलेंगे। ऐसा तो कहा नहीं है कि 100% जयपुर के अंदर तो सद्भाव होगा ही होगा। ऐसा कैसे कहें? परंतु भरत क्षेत्र में कहते हैं तो भरत क्षेत्र तो बहुत बड़ा है भाई। अब टोडरमल जी तो अपनी अपेक्षा से बात कर रहे हैं ना। भरत क्षेत्र तो बहुत बड़ा है। देखिए 2.5 द्वीप 45 लाख योजन का है, भरत क्षेत्र 526 योजन का है, 526 सहित 6/19 योजन का है। जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का है और जम्बू द्वीप के एरिया के 190वें भाग बराबर भरत क्षेत्र है। भरतस्य विषकंभो जम्बू द्वीपस्य 90% भाग है, ऐसा सूत्र है। भरत क्षेत्र का विस्तार बतलाने वाले तत्वार सूत्र 3rd अध्याय में 2 सूत्र दिए। बोलो, पूरे तत्वार सूत्र में एकमात्र प्रकरण ऐसा है जिसमें एक ही बात को बतलाने के लिए 2 सूत्र मां स्वामी आचार्य देव ने 15-20 सूत्रों के गैप से दिए हैं। कहीं कोई दूसरा प्रकरण नहीं है ऐसा, सिर्फ भरत क्षेत्र का विस्तार। 1 सूत्र दिया, भरतस्य विषकंभो जम्बू द्वीप से 90% भाग है। भरत क्षेत्र का विस्तार जम्बू द्वीप के 190वें भाग के बराबर है। इसका मतलब 1 लाख में 190 का भाग दो, इतना भरत क्षेत्र का विस्तार है। और दूसरे 1 सूत्र में तो स्पष्ट संख्या का ही उल्लेख कर दिया गया। कौन सी संख्या का उल्लेख कर दिया गया? भरत है
पंच योजन शत षड विंशति भरत है, षड विंशति पंच योजन शत विस्तार है, षट चैकोन विंशति भागा योजन से। क्या क्या सूत्र दिया? भरत है षड विंशति माने 26, पंच योजन शत 526 और षट चैकोन विंशति भागा योजन से। षट चै एक न्यून विंशति, छह के नीचे 19 और लगाओ, 6/19 इतने एक योजन के भाग, इतना भरत क्षेत्र का विस्तार ऐसा कहा है। भाई 526 योजन का विस्तार भरत क्षेत्र का कहा है। आपकी हमारी जो दुनिया है, ये दुनिया कितनी बड़ी है कल्पना करो आप। आपकी हमारी जो दुनिया है, जिस दुनिया में हम रहते हैं, कनाडा में सुन रहे हैं, अमेरिका के अंदर सुन रहे हैं बहुत सारे लोग, अमेरिका, लंदन, जापान, रूस, फ्रांस, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जिसे आप दुनिया कहते हैं, ये दुनिया सिर्फ 2-2.5 योजन में आ जाती है जनागम के अनुसार, 2-2.5 योजन में सिर्फ। और 526 योजन का है भरत क्षेत्र, उसमें भी म्लेच्छ खंड को घटा दो, म्लेच्छ खंड में साधु नहीं होते हैं, दिगंबर मुनिराजों का सद्भाव म्लेच्छ खंड में नहीं होता, तो 238 योजन का म्लेच्छ खंड है, 50 योजन बीच में विजयार्थ पर्वत है और 238 योजन का आर्यखंड है, तो भी 238 योजन हो गया आर्यखंड। 2-2.5 योजन के अंदर आपकी दुनिया आ गई। भरत क्षेत्र का आर्यखंड भी बहुत विशाल है, मुनिराजों का सद्भाव तो कहा गया है। देखिए, सो भरत क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, कहीं सद्भाव होगा, इसलिए अभाव नहीं कहा है, मुनिराजों का अभाव नहीं कह रहे हैं। यदि तुम रहते हो उसी क्षेत्र में सद्भाव मानोगे, हिसाब हम जहां रहते हैं यहीं सद्भाव मानना पड़ेगा, तो जहां ऐसे भी गुरु नहीं मिलेंगे वहां जाओगे तब किसको गुरु मानोगे? बोलो अमेरिका में जो लोग बसे हुए हैं वे किसको गुरु मानेंगे? जापान में जो लोग रह रहे हैं वे किसे गुरु मानेंगे? वो भी इसी तरह की बात कहेंगे कि साहब मुनिराज का अभाव तो कहाँ नहीं है, फिर तो जो हमारे को ये कपड़े लत्ते पहने हुए जैसे दिखाई देते हैं हम तो इनको ही गुरु मान लेते हैं, क्या करें, अब जो है उन्हीं को तो मानेंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं चलेगा। जो जहां ऐसे भी गुरु नहीं मिलेंगे वहां जाओगे तब किसको गुरु मानोगे? जिस प्रकार हंसों का सद्भाव वर्तमान में कहा है परंतु हंस दिखाई नहीं देते, तो और पक्षियों को तो हंस माना नहीं जाता। उदाहरण है टोटरमल जी साहब, हंस का सद्भाव है या नहीं है? है साहब, हंस का सद्भाव तो होगा ही, कहाँ होंगे? कहते मानसरोवर में होंगे, लेकिन दिखाई नहीं देते तो क्या करें, दूसरे पक्षियों को मान ले? हो सकता है ऐसा, अरे मुझे ऑपरेशन कराना है तो बोलो मैं क्या करूं, और कोई योग्य डॉक्टर नहीं मिल रहा है, हार्ट का ऑपरेशन कराना है, क्या करें? पांडे जी मुझे हार्ट का ऑपरेशन कराना है और योग्य डॉक्टर मिल नहीं रहा है, अब क्या किया जाए? करा ले किसी से भी। अब देखो भाई, अब जो है उन्हीं से कराना पड़ेगा आपको। तो प्रमोद जी भाई साहब विदिशा से बोलो, जो दिखाई दे रहे हैं हम तो उन्हीं से करा ले। और तो गजब की बात ये कि दिखाई दे रहे हैं वे डॉक्टर नहीं, कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा हो तो एक काम करो, उनको सफ़ेद कोट वोट पहनाओ, उनको पूरा ड्रेसअप करो उनका, या वो लगाओ उनका पूरा सब बिल्कुल, और कहो कि भाई ये देखो अब ये जो दिख रहा है ना तुम तो इन्हीं से करा लो इलाज, करा लेंगे। यदि डॉक्टर नहीं मिल रहा है, हार्ट का डॉक्टर यदि नहीं मिल रहा है तो हम क्या करें? जो मिले उन्हीं से तो कराना चाहिए ना, अब कराना तो पड़ेगा भैया जो भी है। क्या आप अपना हार्ट का ऑपरेशन कराने के लिए, खुलवाने के लिए तैयार बैठे हैं? नहीं नहीं कराऊंगा मैं तो, नहीं मिलेगा तो नहीं कराऊंगा, जब मिलेगा तब कराऊंगा, कोई बात नहीं। लेकिन गलत व्यक्ति के हाथों में जाकर के मर जाने से तो अच्छा है हम ऑपरेशन नहीं करा करके मर जाएं, यही कहेंगे ना, समझदार व्यक्ति तो यही बात कहेगा। देखिए, उसी प्रकार वर्तमान में मुनियों का सद्भाव कहा है परंतु मुनि दिखाई नहीं देते, तो औरों को तो मुनि माना नहीं जा सकता है। यहां वर्तमान शब्द का प्रयोग 300 वर्ष ही समझना, क्या समझ में आ रही है बात? वर्तमान समय में मुनिराजों का सद्भाव संभव है, हमारे आपके भाग्य उदय हो तो दर्शन मिले और भाग्य उदय ना हो तो न मिले।
आप जिस नगर में, जिस गांव में, जिस गली में, जिस मोहल्ले में हैं, वहां मुनिराजों का सद्भाव कैसे होगा? क्या हो तो सकता है ना? अरे हम बनेंगे भावलिंगी संत, क्या बात कर रहे हो आप? हम बनेंगे सद्भाव कहां है? छठे सातवें गुणस्थान तक की भूमिका की चर्चा जिनागम में कही गई है, हम क्यों नहीं बनेंगे बतलाइए मुझे? गुणस्थान बढ़ेगा, श्रद्धान होगा, गुणस्थान चौथा होगा, पांचवा होगा, और हमारा लक्ष्य छठे सातवें गुणस्थान का है, कैसे नहीं कहेंगे बतलाइए? जब जिनागम कह रहा है इस चीज के बारे में सद्भाव कहाँ है, तो हम क्यों छोटे से आनंद के अंदर संतुष्ट होंगे? हम उत्कृष्ट आनंद की प्राप्ति करने की भावना बाते हैं। देखिए फिर वह कहते हैं, अब नया तर्क, शिथिलाचार्य की पोषक युक्तियों की चर्चा चल रही है। फिर वह कहता है, एक अक्षर के दाता को गुरु मानते हैं, तो जो शास्त्र सिखलाए वे सुनाए, उन्हें गुरु कैसे नहीं माने? इनको तो गुरु मानना पड़ेगा भाई साहब, शास्त्र सिखाते हैं हमारे को, शास्त्र सिखा रहे हैं, शास्त्र बतला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं हमारे को, और ये नीतिकारों ने लिखा है। श्लोक मुझे बचपन में याद किया था, भूल गया मैं। नीतिकारों ने लिखा है, जो गुरु या जिसके माध्यम से तुम्हें एक अक्षर का भी ज्ञान प्राप्त हो, उसका ऋण और उसका उपकार जीवन भर कभी नहीं भूलना चाहिए, ऐसा लिखा है नीतिकारों ने। जिन्होंने ज्ञान दिया है, जिन्होंने क ख ग सिखाया है ना हमारे को, अब तो उनकी शक्लें ही भूल गए होंगे आप, अब तो उन गुरुओं को पहचानते ही नहीं होंगे। लेकिन यदि आपको कहीं विद्या गुरु भी मिलते हैं, जिन्होंने आपको हिंदी पढ़ना सिखाया, जिन्होंने आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाया, जिन्होंने आपको 1 2 3 4 सिखाया है, यदि उनसे आपने एक अक्षर भी कुछ भी सीखा है, तो गुरु ही होते हैं भाई साहब। गुरु का कोई पैमाना नहीं होता। गुरु 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 से यदि तुम बड़े भी हो जाओ, गुरु से यदि तुम पूज्य भी हो जाओ, गुरु से यदि तुम्हें और ज्यादा पूज्यता, महानता, ख्याति, यश, प्रतिष्ठा भी यदि प्राप्त हो जावे, तब भी गुरु का यदि तुमने उऋण किया, गुरु की यदि महिमा को स्वीकार नहीं किया, तो तुम्हारा ज्ञानावरणी कर्म इतना आवृत करेगा, इतना उग्र हो जाएगा कि तुम्हारा ज्ञान सारा का सारा धूल धूमिल हो जाएगा। ये गुरु की महिमा है। गुरुओं का नाम नहीं छिपाना। ज्ञानावरणी कर्म के आश्रम के बंध के कारण जब बतलाते हैं उमा स्वामी आचार्य तत्वार सूत्र में, तो पता है क्या कहते हैं वे उमा स्वामी आचार्य? तत्प्रदोष निन्हव मात्सर्यंतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरण यो हो। छठे अध्याय का सूत्र है तत्वार सूत्र का। प्रदोष निन्हव मात्सर्यंतराया साधन उपघात, और एक एक का स्वरूप पढ़ो आप, तो स्वरूप पढ़ करके आपको तुरंत यह बात ख्याल में आएगी, स्पष्ट ख्याल में आएगी कि भैया गुरुओं का उपकार कभी नहीं भूलना, गुरु का स्थान सदा काल ऊंचा होता है। यह बात अलग है कि गुरु से पहले शिष्य केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ले, गुरु से पहले शिष्य मोक्ष चला जावे। क्या श्रीमद राजचंद्र जी ने एक लाइन लिखी, गुरु रहे छद्मस्त पण विनय करे भगवान, बड़ी चर्चा का विषय रहता है। यदाब इन लाइनों का क्या अर्थ होगा? गुरुदेव श्री ने जब इनके ऊपर व्याख्यान किए, तो उन्होंने इनका अर्थ बतलाया, भाई केवली होकर के छद्मस्तों की विनय करना तो संभव नहीं है, ये बात तो बनती नहीं है कि कोई केवल ज्ञानी हो जाए, भगवान बन जाए, और फिर जो अपने जो गुरु थे उनकी विनय करे, ये बात नहीं बनती है। तो फिर क्या समझना चाहिए? इसका अर्थ ऐसा समझना चाहिए कि जिन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली है, वे भी जब छद्मस्त अवस्था में थे तो अपने गुरु को प्रणाम किया करते थे, ऐसा अर्थ है। ख्याल में आ रही है बात? गुरु केवल ज्ञान की प्राप्ति तो कर ही सकता है ना। शिवभूति मुनिराज का तो प्रसिद्ध उदाहरण है, नामे शिव हुई केवल नानी फुड़म जाओ, भाव पावड़ की गाथा है अष्टपावड़ के अंदर। तुष्म आसम घोषण तो भाव विशुद्धो ये महानु भाव ये नामेण शिव हुई केवल नाणी फुड़म जाओ। केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली शिवभूति मुनिराज ने भाव विशुद्धि के दम पर। देखिए गुरु गुरु शब्द की चर्चा कर रहे हैं अभी, ये जो गुरु की जो चर्चा है, क्या माने यहाँ जो गुरु का प्रकरण चल रहा है, ये छद्मस्त शब्द का अर्थ होता है साहब। छद्मस्त माने आवरण सहित, छद्म शब्द का अर्थ होता है आवरण। अभी काफी लोग ऐसे होंगे जो नए जुड़े हुए हैं,
हमने तीसरे अध्याय में, दूसरे तीसरे अध्याय में छद्मस्थ शब्द की खूब व्याख्याएं की है। पुराने भी सुनते रहे आप लोग, सीरियल से मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, मतलब अल्प ज्ञानी, बिल्कुल ऐसा ही है। छद्मस्थ शब्द का अर्थ अल्प ज्ञानी, छद्मस्थ शब्द का अर्थ गृहस्थ है या मुनि है, छद्मस्थ शब्द का अर्थ अभी भगवान नहीं बने हैं, छद्मस्थ शब्द का अर्थ अभी केवल ज्ञानी नहीं हुए हैं, उनका नाम है छद्मस्थ। तो बात यहाँ क्या चल रही है, यहाँ जो चर्चा चल रही है गुरु और कुगुरु के संदर्भ में, यहाँ तो दिगंबर गुरुओं की चर्चा चल रही है, यहाँ तो निर्ग्रंथ गुरुओं की चर्चा चल रही है। और प्रश्न क्या कर दिया इन्होंने, प्रश्न कर दिया भाई जिनसे शिक्षा प्राप्त होती हो और ज्ञान प्राप्त होता हो, जो शास्त्र सिखलाते हो, पढ़ाते हो, सुनाते हो, उनको गुरु कैसे नहीं माने। तो जवाब दिया बहुत सुंदर उत्तर, गुरु नाम बड़े का है। गुरु किसका नाम है, बड़े का नाम है। सो जिस प्रकार की मेहनतता जिसके संभव हो उसे उस प्रकार गुरु संज्ञा संभव है। बोलो, मेडिकल में भी गुरु होते हैं, राजनीति में भी गुरु होते हैं। और साहब ये बहुत गुरु है क्या, ये शब्दों के प्रयोग होते हैं इस तरह के, ये बहुत गुरु है साहब राजनीति में भी। और उमाकांत जी आपके महाराष्ट्र में तो हर गुरु के लिए गुरुजी कहते हैं, अध्यापक के लिए गुरुजी शब्द का प्रयोग होता है, लौकिक शिक्षा देने वालों को तो गुरुजी कहते ही हैं हर अध्यापक के लिए। सही कह रहा हूं ना, मुझे पता नहीं है, मैंने तो सुना है महाराष्ट्र में इस तरह का चलता है। किसी को भी सबके मतलब गुरु शब्द का, महाराष्ट्र में तो ऐसा है, वहां टीचर नहीं कहते, अध्यापक नहीं कहते, गुरु शब्द का प्रयोग करते हैं। गुरुजी आज ये पाठ पढ़ाएंगे, गुरुजी ने ये बतलाया, गुरुजी ने ये सिखाया, गुरुजी आए थे क्या आज, तो गुरुजी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो गुरुदेव शब्द का प्रयोग भी हम लोग करते हैं आध्यात्मिक सत्पुरुष गुरुदेव श्री कान्हजी स्वामी के अर्थ में, जो गुरुदेव शब्द का प्रयोग किया जाता है वो भी गुरुदेव शब्द का प्रयोग शिक्षा गुरु के अर्थ में ही है, निर्ग्रंथ दिगंबर गुरुओं के अर्थ में नहीं है। वे निर्ग्रंथ गुरु नहीं थे, वे दिगंबर गुरु नहीं थे, क्या वे दिगंबर साधु नहीं थे, वे हमारे देव शास्त्र गुरु वाले गुरु नहीं थे, लेकिन उनसे ज्ञान प्राप्त किया है, क्या उनसे शिक्षा प्राप्त की है, उनसे तत्वोपदेश प्राप्त किया है, इसलिए सहज ही गुरु संज्ञा उनके लिए दी जाती है, गुरु नाम से पुकारा जाता है उनको, गुरुदेव बोला जाता है। अरे और तो और, हमें हमारे विद्यार्थी, मुझे मेरे बहुत सारे विद्यार्थी गुरुदेव कह करके पुकारते हैं, अरे गुरुदेव, अरे गुरुदेव, अरे मैं कहता हूँ भैया हम गुरुदेव नहीं है क्या, लेकिन वो रूढ़ हो गया है उनके अर्थ में। तो गुरु शब्द का प्रयोग तो कोई भी किसी के भी अर्थ में करता है, ऐसा यहां कह रहे हैं। देखिए, गुरु नाम बड़े का है, सो जिस प्रकार की मेहनतता जिसके संभव हो उसे उस प्रकार गुरु संज्ञा संभव है, जैसे कुल अपेक्षा माता पिता को गुरु संज्ञा है। सही बात है सब, पहले गुरु तो हमारे माता पिता होते हैं, फर्स्ट नंबर के गुरु हैं माता पिता, माता पिता से बढ़कर कोई गुरु नहीं है। माता पिता ने बोलना सिखाया, माता पिता ने चलना सिखाया, माता पिता ने खाना सिखाया, माता पिता ने आपको उठना बैठना सिखाया, उंगली पकड़ करके हर चीज, इसलिए प्रथम गुरु है माँ, प्रथम गुरु है पिता। उसी प्रकार विद्या पढ़ाने वाले को विद्या अपेक्षा गुरु संज्ञा है, यहां तो धर्म का अधिकार है, इसलिए जिसके धर्म अपेक्षा मेहनतता संभवित हो उसे गुरु जानना। भाई साहब ये तो धर्म का प्रकरण चल रहा है, धर्म की अपेक्षा से जिनके महानता और मेहनतता हो उन्हें गुरु जानना। और इतना ही नहीं, परंतु धर्म नाम चारित्र का है, चारित्रम खलु धम्मो, ऐसा शास्त्र में कहा है। प्रवचन सार की सातवीं गाथा है, बहुत प्रसिद्ध गाथा है, क्या सातवीं गाथा कह रहे हैं यहां पर, प्रवचन सार की सातवीं गाथा का प्रमाण प्रस्तुत किया है, चारित्रम खलु धम्मो। कौन ऐसा दिगंबर होगा जिस व्यक्ति ने, दिगंबर जैन कोई ऐसा नहीं होगा जिसने चारित्रम खलु धम्मो शब्द नहीं सुना हो। चारित्र ही धर्म है, इसलिए चारित्र के धारक को ही गुरु संज्ञा है। समझ में आ रही है बात। नग्न दिगंबर वेशधारी 28 मूल गुणों का पालन करने वाले पीछी कमंडलधारी, ऐसे जो हमारे निर्ग्रंथ साधु दिखाई देते हैं
उनके लिए ही यहाँ जैन परंपरा में देव शास्त्र गुरु के अंतर्गत गुरु संज्ञा कही गई है। तथा अब देखो तर्क देखो, पंडित जी के बड़े गजब की बातें कहते हैं। तथा जिस प्रकार भूतादिक का नाम भी देव है, व्यंतर देव है कि नहीं, भूत पिशाच किन्नर किमपुरुष मौरक गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाच, उन सब के लिए भी देव संज्ञा है ये नहीं। तथापि यहां देव के श्रद्धान में अरहंत देव का ही श्रद्धान है ग्रहण करना। क्या क्या कितना स्पष्ट शब्दों में बात कह रहे हैं, माने आप जब देव के श्रद्धान की बात करते हैं तो क्या आप व्यंतर देवों को देव मानते हैं? क्या भूतों को देव मान करके पूजन करने की बात करते हैं? क्या आप ज्योतिषी देवों को देव मान करके पूजन करने की बात करते हैं? क्या सौदर में इंद्र को इंद्र और देव मान करके पूजने की बात करते हैं? क्या भवनवासी असुर कुमार आदि के देवों की चर्चा है वहां? कि बिल्कुल नहीं है, चतुर निकाय के देवों की चर्चा नहीं है, अरहंत देव की चर्चा है, सिद्ध देव की चर्चा है, हमारे जो भगवान है उनके देवत्व पने की चर्चा है। उसी प्रकार नाम तो एक ही दिखाई दे रहा है, ये भी देव ये भी देव, सचित देव अदेव कुदेव सुदेव के चार तरह के भेद मिलते हैं आपको, देव अदेव कुदेव और सुदेव सच्चे देव। कभी सुने क्या आपने इनके अर्थ, सुने क्या कभी अलग अलग? कौन है सच्चे देव, कौन है सच्चे देव को कहते हैं सुदेव, वे अरंत सिद्ध भगवान हमारे 2400 तीर्थंकर परमात्मा, वे सब सुदेव हैं। एक होते हैं कुदेव, क्या जो देव तो है नहीं लेकिन उनमें देवत्व पने की मान्यता, वे हैं कुदेव। एक होते हैं आदेव, आदेव कौन है, ये पाषाण आदि पत्थर आदि रोड़ी आदि जिनमें देवत्व पना संभव ही नहीं है, वे हैं आदेव। समझ में आ रही है? और चौथा है देव, वो है भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी, ये चार प्रकार के देव। तो जिस तरह से देव शब्द कॉमन देख करके हम सबको देव नहीं मानते, उसी प्रकार औरों का भी नाम गुरु है, तथापि यहाँ श्रद्धान में निर्ग्रंथ का ही ग्रहण है। जैन धर्म में अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु ऐसा प्रसिद्ध वचन है, बस निर्ग्रंथ गुरुओं का वचन है हमारे यहाँ। जब भी हम कहेंगे देव शास्त्र गुरु की पूजन करो, जब हम कहेंगे गुरुओं को वंदन, जब ऐसी बात कहेंगे तो वहां आप यही अर्थ समझना कि गुरु शब्द का प्रयोग निर्ग्रंथ गुरुओं के संबंध में किया जा रहा है, परिग्रहधारी गुरुओं के संदर्भ में नहीं किया जा रहा है। परिग्रहधारियों को हमारे यहाँ गुरु संज्ञा है ही नहीं, वे गुरु है ही नहीं, उन्हें गुरु मानना ही नहीं। ठीक है, देखिए आगे यहाँ प्रश्न है कि निर्ग्रंथ के सिवा अन्य को गुरु नहीं मानते, सो क्या कारण है? मुझे प्रश्न है भैया, प्रश्न तो प्रश्न है शिष्य का, शिष्य का प्रश्न है कि साहब आप निर्ग्रंथ के अलावा औरों को मुनि क्यों नहीं मानते हो, गुरु मान लो औरों को भी क्या दिक्कत है, कोई जरूरी थोड़ी ना निर्ग्रंथी गुरु हो। बहुत सुंदर समाधान करते हैं भाई, निर्ग्रंथ के सिवा, ओहो निर्ग्रंथ के सिवा अन्य जीव सर्व प्रकार से मेहनतता धारण नहीं करते, निर्ग्रंथ मुनिराजों के सिवा अन्य में मेहनतता नहीं होती, अन्य में श्रेष्ठता नहीं होती, अन्य में महानता नहीं होती। जैसे लोभी शास्त्र व्याख्यान करे, उदाहरण गजब गजब के देते हैं टोटरमल जी साहब, उनके चिंतन की गहराइयों से निकले हुए वचन है। लोभी शास्त्र व्याख्यान करे वहां वह इसे शास्त्र सुनाने से महंत हुआ, लोभी व्यक्ति है शास्त्र का व्याख्यान कर रहा है, वो महंत हुआ इसे शास्त्र सुनाने से, माने जन सामान्य को शास्त्र सुनाने से वो महंत हुआ, और यह उसे धन वस्त्र आदि देने से महंत हुआ। गुरु ने तो उपदेश दिया और शिष्य कह रहा है कि हमने इनको धन दिया था, हमने इनको पैसा दिया, हमने इनकी व्यवस्था की, यद्यपि बाह्य में शास्त्र सुनाने वाला महंत रहता है तथापि अंतरंग में लोभी होता है, इसलिए सर्वथा महंतता नहीं होती, नहीं हुई।
अकेले शास्त्र सुनाने वाले को गुरु नहीं कह रहे हैं यहाँ पे, यहाँ तो गुरु का प्रकरण है, गुरु के निर्णय का प्रकरण है। हम गुरु नहीं है, शास्त्र सुनाने वाले देव शास्त्र गुरु वाले गुरु नहीं हो सकते हैं। कोई भी कपड़े पहने हुए कितना भी बड़ा से बड़ा विद्वान क्यों न हो जावे, कितना भी बड़ा विद्वान क्यों नहीं हो, कितनी भी ख्याति क्यों नहीं हो, कितनी भी प्रसिद्धि क्यों नहीं हो, लेकिन वो हमारे देव शास्त्र गुरु वाले गुरु में शामिल नहीं हो सकते हैं। लोभी दिखाई दे रहा है, लालची दिखाई दे रहा है, यश प्रतिष्ठा का लोभ दिखाई दे रहा है, धन का लोभ दिखाई दे रहा है, दक्षिणा लेता है, शिष्य उनको देता है और गुरु उनसे लेता है, तो मेहनतता कैसे हो सकती है? क्या समझ में आ रही है बात? अभी गजब का एक और प्रश्न, बस एक और ले लेता हूं, एक आध दो मिनट ज्यादा होंगे तो चलेगा, लेकिन गजब की बात है, प्रकरण से जुड़ी हुई है। यहां कोई कहे निर्ग्रंथ भी तो आर लेते हैं, प्रश्न क्या है? निर्ग्रंथ भी तो आर लेते हैं साहब, फिर उनके मेहनतता कैसे मान रहे हो आप? वो भी जा रहे हैं आर ग्रहण कर रहे हैं, श्रावकों के यहां जा रहे हैं और उनसे जाकर के आर ले रहे हैं। देखो, लोभी होकर दातार की शुश्रूषा करके दीनता से आहार नहीं लेते, इसलिए उनकी मेहनतता नहीं घटती। क्या गजब स्वरूप कह रहे हैं भाई साहब। अरे हमारे दिगंबर साधु दिगंबर मुनिराज वे आहार ग्रहण करते हैं लेकिन दीन होकर के आहार ग्रहण नहीं करते। किसी के यहां भी जाकर के झोली नहीं फैलाते, मांगते नहीं है, उनकी जो आहार चर्या है, अरे श्रावक आकर के तीन तीन चक्कर लगाए, उनके नवदा भक्ति पूर्वक आहार देवे, उन्हें पड़गाहन करे, उन्हें उच्च आसन पर विराजमान करे, उनके पाद प्रक्षालन करे, उनकी पूजन करे, उनको नमस्कार करे, उन्हें वंदन करे, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध है, इतनी इतनी प्रकार से नवदा भक्ति पूर्वक उन्हें आहार देवे, तब जाकर के मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं। माने नवदा भक्ति पूर्वक आहार ग्रहण करने के लिए निवेदन, तीन तीन चक्कर लगाएंगे, उन्हें पड़गान करेंगे, उनकी विधि मिलेगी, उन्हें बुलाएंगे, निमंत्रण देंगे, उनकी पूजन उच्चासन पर विराजमान करेंगे, पाद प्रक्षालन करेंगे, उनकी पूजन करेंगे, नमस्कार करेंगे, तब जाकर के इतनी बहुमान और विनय श्रावक के चित्त में दिखाई देती है, तब जाकर के वे आहार ग्रहण करते हैं। ऐसे आहार ग्रहण कर लेंगे। आपने कैसे मिला लिया एक सामान्य व्यक्ति से, जो व्यक्ति लोभी और लालची दिखाई दे रहा है, उस व्यक्ति की तुलना आप कैसे कर सकते हैं हमारे गुरुओं से? देखो क्या कह रहे हैं, लोभी होकर के नवदा भक्ति बतलाई मैंने। अनेक लोग तो ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें नवदा भक्ति के नाम ही पता नहीं हो। आपको यदि नवदा भक्ति के नाम नहीं पता है, आपको यदि नवदा भक्ति नहीं आती है, सच कहता हूं, यदि कुंद कुंदाचार्य भी उतर करके आ जाएं और आपके दरवाजे पर आ जाएं, तो आप उन्हें आहार दान नहीं दे पाएंगे। आपको पता तो होना चाहिए कैसे आहार दिया जाता है, आहार दान की विधि किस प्रकार की होती है, वीतरागी संत कैसे होते हैं, कितना बहुमान होता है। समझो एक बार गहराई से, नहीं समझेंगे तो काम नहीं चलेगा। वापस रिवाइंड करके सुन लेना, नौ नाम सुना दिए मैंने, नवदा भक्तियों की चर्चा की है। देखिए, लोभी होकर दातार की शुश्रूषा करके, दातार की शुश्रूषा करें और दीनता से आहार नहीं लेते, इसलिए मेहनतता घटती नहीं है। शिष्य ने प्रश्न ये किया था कि साहब हम मुनिराज भी तो आहार लेते हैं, तो फिर वो भी तो दीन हो जाएंगे, उनकी भी तो मेहनतता घट जाएगी। नहीं घटती है। जो लोभी हो वही हीनता प्राप्त करता है। लोभी व्यक्ति हीनता को प्राप्त होता है, लोभी व्यक्ति दीनता को प्राप्त होता है। इसी प्रकार अन्य जीव जानना, इसी प्रकार दूसरे जीवों के बारे में भी समझ लेना। इसलिए निर्ग्रंथ ही सर्व प्रकार मेहनतता युक्त है। ओ, निर्ग्रंथ मुनिराजों की मेहनतता ही अद्भुत है। निर्ग्रंथ के सिवा अन्य जीव सर्व प्रकार गुणवान नहीं है। निर्ग्रंथ मुनिराजों के अलावा सर्वगुण संपन्न जगत में कोई गुरु दिखाई नहीं देते, इसलिए गुणों की अपेक्षा मेहनतता, जिनमें गुण होंगे वे मेहनत हैं, और दोषों की अपेक्षा से हीनता भासित होती है, तब निशंक स्तुति नहीं की जा सकती। क्या गुणों की अपेक्षा से मेहनतता भासित होगी
और दोषों की अपेक्षा से हीनता भासित होगी, तभी आप स्तुति कर सकते हैं, अन्यथा स्तुति करना योग्य नहीं है। ऐसा अर्थ समझना चाहिए, शायद कुछ मिस्टेक जैसी दिखती है, और भी मूल से मिलाना चाहिए। देखिए तीन लाइनें और पढ़ता हूँ, बात पूरी करता हूँ। तथा निर्ग्रंथ के सिवा अन्य जीव जैसा धर्म साधन करते हैं वैसा, निर्ग्रंथ के सिवा दूसरे लोग भी धर्म साधन करते हैं, गृहस्थ लोग भी करते हैं, कपड़े लत्ते वाले भी करते हैं, उससे अधिक धर्म साधन गृहस्थ भी कर सकते हैं। सुनना, बहुत बहुत गजब की बात है, बहुत मार्मिक बात कह रहे हैं, बहुत गजब की बात कह रहे हैं। निर्ग्रंथ मुनिराजों से ज्यादा धर्म साधन करते हुए, ज्यादा स्वाध्याय करते हुए, ज्यादा तपश्चरण करते हुए, ज्यादा कठोर आचरण करते हुए कोई गृहस्थ भी हो सकते हैं, वहां गुरु संज्ञा किसकी होगी बोलो। इसलिए जो बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह रहित निर्ग्रंथ मुनि है उन्हीं को गुरु जानना। क्या गृहस्थ उत्कृष्ट आचरण कर रहा हो, गृहस्थ के ज्ञान ज्यादा दिखाई दे रहा हो, गृहस्थ की शैली अच्छी दिखाई दे रही हो, गृहस्थ की प्रतिपादन शैली बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, गृहस्थ का व्याख्यान ऐसा होता है लच्छेदार भाषण करता है और हजारों लोग उसे सुनते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन गुरु तो गुरु ही होते हैं। गृहस्थ की योग्यता है, गृहस्थ का ज्ञान दिखाई दे रहा है, आचार्य कल पंडित टोडरमल जी दिखाई दे रहे, ज्ञान और योग्यता बहुत दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वे दिगंबर साधुओं जैसे पूज्य नहीं हो सकते, चाहे वे टोडरमल जी क्यों नहीं हो। क्या टोडरमल जी को आचार्य कल्प विशेषण संज्ञा से पुकारा जाता है, काम उन्होंने किया आचार्य कल्प, कई तरह से अर्थ है किए जाते हैं, टोडरमल जी के नाम के पहले आचार्य कल्प लगाया है ना, सैकड़ों वर्षों से लगाया जा रहा है, पता नहीं कब से चला आ रहा है, बहुत पुराने विद्वान के द्वारा, माने 70 साल 80 साल पहले भी जो पुस्तकें छपी हैं प्रकाशित दिखती है उनमें भी आचार्य कल्प विशेषण दिखता है, पुराने प्राचीन विद्वानों के द्वारा भी। तो यूं ही नहीं कहा जाता, आचार्यों जैसा काम किया, आचार्य कल्प, कल्प माने कल्पना, कल्प माने सरीके, कल्प माने उन जैसे, आचार्य कल्प आचार्यों जैसा काम, क्योंकि उस समय दिगंबर संत नहीं थे उस जमाने में, तो जो कार्य इन्होंने किया, सम्यक ज्ञान चंद्रिका जैसी टीकाएं लिखी, गोमट सार, जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार, चपणा सार, त्रिलोक सार, ऐसे ग्रंथों की व्याख्याएं लिखी और ऐसे महान ग्रंथ लिखे, इसलिए उन्हें आचार्य कल्प कहा जाता है। आचार्यों जैसे, आचार्यों जैसा काम किया, एक कल्प शब्द का और किया जाता है अर्थ, कल्प शब्द का अर्थ कल्प वृक्ष से लगाइए तो फिर क्या अर्थ निकलेगा, कल्प शब्द का अर्थ कल्प वृक्ष से किया तो, कि बोले जैसे कल्प वृक्ष से जो मांगो वो मिल जाता है, उसी तरह से ये टोडरमल जी भी ऐसे आचार्यों जैसे कल्प वृक्ष समान है कि इनके साथ भी सच्चे सच्चे गुरु होंगे। माने आचार्यों जैसा उन्होंने काम किया, इतना उत्कृष्ट उन्होंने कार्य किया। अपन जो प्रश्न हमारे चित्त में उठता है, अगली पंक्तियों में हमें वो प्रश्न लिखा हुआ दिखाई देता है, ये हमारे महाभाग्य से ऐसे पंडित टोडरमल जी जैसे व्यक्तित्व, ऐसे विद्वान, ऐसे महान ज्ञानी व्यक्ति, इनके द्वारा लिखे गए इस ग्रंथ का योग हमारे को बन गया है, ये हमारे महान पुण्य का उदय है। इनके द्वारा कही गई इन बातों को समझकर अपने जीवन में उतार कर सच्ची निर्ग्रंथ अवस्था हमारे जीवन में प्रकट हो, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। शाम का सूचना आप लोगों को है ही, वापस कह देता हूं एक बार, शाम को 8 बजे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय चलता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ संपन्न हो जाने के उपरांत पुनः 5-7 मिनट का 10 मिनट का गैप देकर के हम वापस एक प्रवचन शुरू करते हैं जो 16 कारण भावनाओं के ऊपर चल रहा है। 3 व्याख्यान पीछे हो चुके हैं 15-20 मिनट के लिए, और फिर आगे चर्चा आज भी चलेगी और रोजाना इस तरह से चर्चा चलती रहेगी। सो आप लोगों की जानकारी में रहे। जनवाणी निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार